फिटेस्ट फैट मैन बूब्स जैसी परेशानियां आजकल मोस्टली सभी लोग फेस कर रहे हैं, बट एक इसके ऊपर मिथ बना हुआ है। लोग चेस्ट फैट को मैन बूब्स से कंपेयर करते हैं। मैन बूब्स एक कंडीशन है, उसके लिए आपको डॉक्टर को विजिट करना पड़ेगा और आपको अपनी चेस्ट की मसल का चेकअप कराना पड़ेगा। बट सभी लोग चेस्ट फैट को मैन बूब्स से कंपेयर करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। आप मेरी पुरानी पिक्स को देखिए जिसमें मेरे चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा था, और ये अब की पिक है, इसमें आप देखिए चेस्ट फैट कितना कम है। इस पिक में चेस्ट फैट बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंने कैसे किया, सबसे पहली बात चेस्ट फैट को बर्न करना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपको इसे एक्सरसाइज डाइट और पूरे पेशेंस के साथ इसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका चेस्ट फैट बर्न होगा। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी का फैट परसेंटेज ना गिरे, सिर्फ चेस्ट का ही गिर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सिर्फ चेस्ट की एक्सरसाइज लगाने से चेस्ट का फैट बर्न होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चेस्ट फैट को बर्न करने के लिए आपको समझना होगा कि ओवरऑल बॉडी से फैट कैसे गिराया जाता है। आप लोगों को पता है 1 पाउंड फैट में 3500 कैलोरीज होती है। तो आप 1 पाउंड फैट को बर्न करोगे तब जाके आपकी बॉडी में से 3500 कैलोरीज कम होंगी, सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज की वजह से। को किसी भी प्रकार का, भले ही वो ओवरऑल बॉडी फैट हो या चेस्ट फैट हो या लव एंडल्स हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको वेट गिराना है तो आपको सबसे पहला स्टेप है कैलोरी डेफिशिएट में आना। कैलोरी डेफिशिएट जो दिन की कैलोरीज है उसमें से कुछ कैलोरीज को कट करना। ज़्यादातर लोग 1800 से 3000 के बीच में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। सो कैलोरीज डेफिशिएट में आने का सबसे ईजी तरीका है, जो आप एक दिन में कैलोरीज ले रहे हो उसमें से 500 से 800 कैलोरीज को कट करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कट 500 कैलोरीज इन योर डाइट, देन आप एक वीक में 1 पाउंड तक वेट गिरा सकते हो। बहुत ही अच्छा मेथड है दिस मेथड, आप 10 वीक में 10 पाउंड वेट तक गिरा सकते हो। तो आपको अपनी डाइट में से कैलोरीज को कम कैसे करना है, को अपनी डाइट में से कार्ब कम करने हैं, सैचुरेटेड फैट्स ये जो सोर्सेज है वो उन्हें कम करना है। कैलोरीज काउंट कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको वो बताऊंगा जो मैं करता हूँ। आपको किसी ऐप की हेल्प लेनी है या आप गूगल कर सकते हो, जो आप एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो कैलोरीज को, जो जो आपने फूड कंज्यूम किया है आप उसकी कैलोरीज चेक करिए। इस चीज़ को करोगे तभी आपका वेट डीप लॉस प्रमोट होगा, आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी जिस बॉडी को चाहते हो अगर फास्ट फैट लॉस करना है, तो आपको आपके पास आपकी डेली डाइट के एक पूरा स्टेट्स आपके पास होने चाहिए। क्या आप लोगों को पता है वर्कआउट में 1 घंटे के इंटर वेट ट्रेनिंग में 400 कैलोरीज बर्न होती हैं। तो यहीं आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, आपको अपनी वेट ट्रेनिंग में सिर्फ या आप जो वर्कआउट करते हो उसमें कार्डियो ऐड करना है। कार्डियो आपकी 200 से 300 कैलोरीज थोड़ी ही देर में बर्न करने में हेल्प करेगा। इस मेथड से आप एक दिन में 700 से 800 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हो। सो अब बात करते हैं वर्कआउट की, आपको अपना वर्कआउट कैसे चलाना है। इस वीडियो तो आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपके चेस्ट को शेप में लाए, तो उसमें सबसे पहली और सबसे एक्टिव एक्सरसाइज में से एक है पुशअप। पुशअप को लोग हल्के में लेते हैं, पर दोस्तों चेस्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज में से एक है पुशअप। को आपको करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको प्लैंक की पोजीशन में आना है और सिर्फ नीचे जाना है और ऊपर आना है। ये पुशअप का एक सिंपल सा मेथड है, और ब्रीद इन ब्रीद आउट पर ध्यान देना है। बट मैंने एक वीडियो बनाई है डेफिशिएट पोज्ड पुशअप, वो पुशअप का एक अच्छा वेरिएशन है, वो आपकी हेल्प कर सकता है। नंबर 2 पर हम बात करेंगे बेंच प्रेस की। जब बात चेस्ट के साइज पर आती है तो बेंच प्रेस सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है। जो भी वेट ट्रेनिंग करते हैं उनके वर्कआउट रूटीन में बेंच प्रेस होनी ही चाहिए, ये कंपाउंड एक्सरसाइज में से एक है। बेंच प्रेस को आपको एक अच्छी पोजिशन में लेटना है और अपनी आर्म्स को 45 डिग्री के एंगल पर आपको लगाना है। और जब हम बात करेंगे फैट बर्निंग की, ट्राई करना है कि आप लाइट वेट से ज़्यादा रैप तक जाएं। आपकी रैप
15 से 20 या 25 तक हो सकते हो, वेट लाइट होना चाहिए। नंबर 3 पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा केबल क्रॉस। केबल क्रॉस से हमारा आउटर चेस्ट भी शेप में आता है जब हम आर्म्स को मूव करते हैं। केबल क्रॉस बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ये मेरे पर बहुत वर्क करी हुई है। पहले अगर आपको अपना चेस्ट वाइड करना है तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं चेस्ट के लिए, आप इन्हें अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करें। ये हमारी आज की वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैंने कैसे अपना चेस्ट फैट बर्न किया है, और ये आप पे दोस्तों मैं वादा करता हूँ आप पे 100% काम करेगा। ये हमारी आज की शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है। अगर आपको ये एक्सरसाइज वगैरह हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी फिट एंड डू योर बेस्ट।